I want to be a business tycoon. और ये inspiration मुझे मुकेश अंबानी से। मैं artist बनना चाहती थी, but उसके बाद मैंने देखा एक IAS officer का interview तो मुझे भी लगा, और फिर मम्मा ने inspire किया कि आप IAS officer ही बने, तो मैंने सोचा IAS officer बहुत अच्छा है तो मैं वही बनूंगी। My name is Ruth and I want to be a doctor. मुझे inspire किया है पापा और मम्मी ने, ज़्यादातर तो मुझे पापा ने किया है। आज की जनरेशन में मनी इज़ एवरीथिंग, सो मनी के बगैर हम वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। सो सिंपल, अगर आपके पास टैलेंट है, यू कैन डू एनीथिंग। आप अपनी पूरी दुनिया बना सकते, दुनिया जीत सकते। आज एक पायलट भी एक लड़की है, एक IPS ऑफिसर भी एक लड़की है, एक डॉक्टर भी एक लड़की है। सो कश्मीर की लड़कियों को ही क्यों कहा जाए कि नहीं, आपको वो नहीं करना है। कश्मीर की लड़कियाँ झाड़ू पोछा करने के लिए नहीं है। अगर मम्मा एप्पल काटती है नहीं, फिर 90% तो भाई को ही दे दो, अरे 10% लड़के। बट आप क्या करोगे कुछ बन के? आपने तो शादी करनी है बस, और कुछ आपको करना नहीं है। उसको तो हेल्थ बनानी है, उसको स्ट्रांग बनना है, और लड़की को ये सुना कर ही वीक कर दो। चैनल में थी तब जब मेरे को पापा ने उतना सपोर्ट नहीं किया, बट फिर मामा ने इससे कहा, मैंने रोया नहीं, मामा मुझे करना ही करना है। सो मामा ने पापा को मनाया, फिर जाके पापा ने फॉर्म पे साइन दिया। मैं बहुत छोटी थी, मैं 5 साल की मेरी एज थी जब मैंने किक बॉक्सिंग स्टार्ट किया। एक्चुअली स्टार्ट ऐसे हुआ कि हमारे स्कूल में एक मेजर थे जिनका नाम रघुवेंद्र सिंह था, रघु सर हम उन्हें बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप में कोई हिडन टैलेंट है, आप कुछ करना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो प्लीज़ आप जाओ। और पार करने हैं और वर्ल्ड ओलंपिक्स में इंडिया को गोल्ड ला के देना है। तो वो मेरे को फोर्स नहीं करती है कि आपको किक बॉक्सर बनना है, आपको वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलनी है और आपको वर्ल्ड चैंपियन ही बनना है। वो दुनिया में ऐसी छा गई है, मैं मतलब किसी और पैशन को फॉलो करके दुनिया में छाना चाहती हूँ, इसलिए मैं लॉयर बनी। Thank you.